तो आज है 10 मई, तो सबसे बड़ी बात कि मैंने 9 मई को एक्सरसाइज क्यों नहीं करी। तो देखो यार, मैं अपने शेड्यूल में थोड़ा सा अंतर करना चाह रहा था। मैं ये चाहता हूँ कि देखो, सुबह सुबह एक्सरसाइज करता हूँ ना, तो भाई पूरे दिन भर मुझे थकान रहती है। तो मैंने डिसाइड किया कि मैं शाम को एक्सरसाइज करूंगा, ठीक है। लेकिन कल ऐसा हुआ कि मैं कल रात में पता ही हुआ, मैं 7 बजे सोया, फिर 2-3 बजे उठा, फिर उसके बाद फिर मेरे एक्सरसाइज करने का मन ही नहीं हुआ। रात में पुआ भी खा लिया मैंने। तो इसलिए मैंने डिसाइड करा है कि अभी आज 10 मई है, आज मैं शाम को एक्सरसाइज करूंगा। तो भाई सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज मेरे लिए ये है कि मुझे भाई वेट पक्का कम करना है यार। कोई सही उदाहरण में मुझे डायबिटीज और कोलेस्ट्रॉल की मौत नहीं बनना है यार, ठीक है। और पता है बहुत बड़ी दिक्कत मुझे ये आ रही है कि मैं अपनी जो कैलोरीज वो नहीं कर पा रहा हूँ, काउंटेड के हिसाब से खा नहीं पा रहा हूँ। तो मुझे एक चीज तो मुझे पक्का पता है, मेरे मतलब यहाँ पर चिरवा के लिखवा दो, एक फैट तभी कम होगा जब कैलोरी डेफिसिट में होंगे हम लोग। लेकिन मेरा भाई मैं बिल्कुल ट्रैक नहीं कर पाता हूँ। पता क्या होता है मेरे को, बहुत तेज से भूख लगती है, तो फिर घर में जो अस्त जैसे कि मैं थोड़ा देर से उठा, 10 बजे करीब उठा, तो मुझे बहुत तेज भूख लगी, मम्मी कुछ और काम कर रही थी, तो और कुछ खाना खा नहीं, तो मैंने क्या कहते हैं नमकीन खा ली। तो यार भाई उस टाइम तो ऐसा लगता है कि भाई जो मिले वो खा लो यार। लेकिन फिर बाद में गिल्ट होता है मुझे बहुत ज्यादा कि यार वो इतनी मेहनत से मैंने जो 20 मिनट की एक्सरसाइज करी थी वो सब वेस्ट चली गई, इतना सारा कैलोरी खा लिया मैंने उसके बदले में। और मुझे तो ये भी नहीं पता कि नमकीन जितनी मैंने खाई थी वो कितनी खाई थी और उसमें मैंने कितनी कैलोरी ले ली है। तो ये मुझे बहुत दिक्कत आती है। और ये बात भी है कि बीच बीच में भूख लगती है ना, जैसे कि कुछ एक बड़ा मील खा लिया उसके बाद फिर बीच में भूख लगती है ना, तो उसमें भाई मुझे जो दिखता है वो मैं खा लेता हूँ। ये मेरी गंदी आदत है। और मुझे इसका सोल्यूशन ऐसे निकालना है कि मुझे कोई वो लेके आना है, मतलब कि मुझे कुछ वो कोई ऐसी चीज ढूंढनी है, कोई ऐसी ढूंढनी है जो मैं बीच में खा सकूँ और वो मेरे कैलोरी में इतना वो नहीं गए और वो रेडी टू ईट होनी चाहिए। और मुझे ये भी दिक्कत है कि मेरा प्रोटीन पूरा नहीं हो पा रहा, मुझे पक्का पता ही नहीं हो पा रहा पूरा, क्योंकि दिन भर में 3 मील खाता हूँ, तो ज्यादा 3 मील में रोटी होती है, चावल होते हैं, तो ये कार्ब्स हो गए, कार्बोहाइड्रेट्स हो गया, ठीक है। और थोड़े बहुत फैट्स होते हैं, फैट्स मैंने घी रोटी में घी लगाना बंद कर दिया है, ठीक है, वो तो बहुत पहले से खा रहा है। चीनी भी नहीं खाता हूँ बिल्कुल। तो एक ये बात है। तो आलू में भी कॉम्प्लेक्स कार्ब्स होते हैं, मतलब कार्ब्स होते हैं, ये मुझे पता है। रोटी में भी कार्ब्स होते हैं, ज्यादा सब्जी आलू और रोल सब्जी बनती है। और दाल में भी कार्बोहाइड्रेट और फैट्स मिक्स अमाउंट में होते हैं, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता नहीं है कि मेरी पता नहीं क्यों मेरी वो पूरी नहीं हो पा रही होगी मेरी प्रोटीन की इनटेक, ठीक है। और मुझे पता है इस बात का ये डर लग रहा है कि यार वेजिटेरियन में प्रोटीन पूरा हो भी पाएगा कि नहीं हो पाएगा। और मैं नॉन वेज पे बिल्कुल शिफ्ट कर नहीं सकता हूँ, क्योंकि भाई मेरे घर का माहौल ऐसा नहीं है कि मुझे, मतलब कि यार नॉन वेज यार खाने नहीं देंगे मेरे को यार। या तो भाई मुझे घर से बाहर शिफ्ट करके कहीं रहना पड़ेगा, तब जाके मैं नॉन वेज खा पाऊंगा, या फिर वही है कि चोरी छुपके खा लो। लेकिन चोरी छुपके खाओगे कहीं बाहर दुकान पे जाके खाओगे तो उस तला वाला खिला दिया, तो उसमें फिर वही बात आ जानी है कि प्रोटीन के साथ साथ फैट भी हो जाना है इतना। और नॉन वेज यार मुझे खुद नहीं पता, मैंने एक बार ट्राई करा था, उसके बाद कभी नहीं खाया मैंने। तो ये बात भी है मुझे, लेकिन अब मुझे ये फिगर आउट करना है कि भाई मेरी प्रोटीन की नीड्स पूरी कर सकूंगी। और मुझे कल पता है बहुत ज्यादा डिमोटिवेशन भी हो रहा था। मैंने कहा यार क्या यार अभी वेट लॉस पे क्यों फोकस कर रहा हूँ, मैं अपने किसी और करियर पे फोकस करता हूँ, कुछ और चीज करता हूँ। लेकिन नहीं भाई यार, अगर फिट बॉडी रहेगी तो तुम बाद में भी बहुत कुछ कर सकते हो। और ये नहीं है कि दिन भर 24 घंटे एक्सरसाइज करनी है, नहीं भाई, बस 30-40 मिनट ही तो निकालने हैं। और उसमें भी पता नहीं क्यों वही होता है, आलस जाता है। कल तो बहुत ज्यादा थकान भी हो रही थी मुझे, तो देखूंगा मैं, मतलब कि मैं ये देखूंगा कि मुझे एक्सरसाइज कौन कौन सी करनी है, कार्डियो कितनी करनी है, और मुझे सबसे बड़ी बात कैलोरी डेफिसिट में कैसे रहना है। क्योंकि देखो मैंने ये नापने की मशीन तो मंगा ली, मतलब ये तो मंगा ली मशीन, लेकिन अब यार मैं इसको यूज ही नहीं कर पा रहा हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, मुझे पता है मेरा मन करता है कि मैं नाप के खाऊं, भाई जैसे मुझे खाना दिखता है भाई मेरे को पता नहीं क्या हो जाता है। मेरे को पता है क्या, जब भूख लगती है तब जाके मम्मी से बोलता हूँ तो उसके आधे एक घंटे बाद खाना बनता है, तब मेरा पता है इतना इतना थकान हो जाती है, इतना सर दर्द हो जाता है कि भाई मेरे को लगता है भाई खा लो पहाड़ में गया, ये सब पहाड़ में गया, खाओ जी भर के खाओ, इतना मतलब की भूख लगती है मुझे। मतलब इतना भी ज्यादा नहीं खाता हूँ मैं, मतलब कि जितना नॉर्मली लोग खाते होंगे, 3 मील खाते होंगे, मैं भी 3 मील ही खाता हूँ। बीच में नमकीन और ये सब घर पे होता है तो खा लेता हूँ मैं।
लेकिन इसका मुझे गिल्ट पता नहीं क्यों होता रहता है, वो ये यार फिगर आउट करना है कि मतलब कैसे करेंगे ये सब। मुझे तो बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेशन फील हुआ, कल मैंने एक्सरसाइज नहीं किया तो मैंने प्रॉमिस करा अपने आप से कि मैं करूँगा, तो वही मेरे को कर मुझे तो करनी ही थी यार, लेकिन अब पता नहीं क्यों नहीं करी, लेकिन आज शाम को पक्का करूँगा। आज हम बात करने वाले हैं कि मुझे साकेत भोसले क्यों पसंद है, मैं उसको इतना मतलब लाइक क्यों करता हूँ, मतलब मुझे इतना अच्छा क्यों लगता है वो। मतलब सबसे पहले तो आई लव साकेत भोसले, नॉट सेक्सुअली बट आई लव हिम। हालांकि ऐसे नहीं कि ये वाला वो लव नहीं, लेकिन भाई मुझे पता है बहुत बहुत सही लगता है, बहुत जेन्युइन बंदा लगता है साकेत भोसले। तो इसके मैं 5 रीजन दूंगा आपको। नंबर 1, सबसे पहली सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट रीजन है कंसिस्टेंसी। भाई बंदे में क्या कंसिस्टेंसी है, एक दिन नहीं छूटता उससे। मतलब वो रोज की रोज ब्लॉग भी बनाता है, मतलब ब्लॉग बनाता है, मतलब कि शूट करता है, उसको एडिट करता है, अपलोड करता है, रोज की रोज एक्सरसाइज करता है। और सबसे मुश्किल काम है अपनी डाइट मेंटेन करना, क्योंकि 70% ऑफ योर बॉडी डिपेंड्स ऑन योर डाइट। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है डाइट, रोज की रोज मेंटेन कर लेता है, रोज की रोज डेली। एक दिन कर लिया, दो दिन कर लिया, एक हफ्ता कर लिया, लेकिन भाई रोज के रोज 365 days, मतलब ये मतलब कि इतनी अच्छी क्वालिटी रखती है मुझे उस बंदे की, मैं क्या बताऊं, बहुत अच्छी क्वालिटी है। सेकंड चीज है रिलेटिबिलिटी। भाई मुझे यार मतलब कि देखो ऐसे इस लेवल पे जिस लेवल पे है ना वो, उस लेवल पे वो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख महीने का, और ब्रांड्स मिला दिया है तो 3-4 लाख रुपए महीने का ऐसे कमाता ही होगा यूट्यूब से, क्योंकि इस टाइप के नंबर्स पे इससे ज्यादा ही पैसे मिलते होंगे। लेकिन भाई बंदा एकदम डाउन टू अर्थ रहता है, अगर कोई भी शॉपिंग करनी होगी तो भाई अमेजोन से पूछ लेगा भाई, कंपेयर करके, हाँ भाई ये वाला डिवाइस लूँ ये वाला डिवाइस लूँ, मैं अपने पैसे वेस्ट नहीं करता हूँ। तो एकदम बिल्कुल यार डाउन टू अर्थ रहता है। मतलब कि कुछ ब्लॉगर्स होते हैं मैंने देखे हुए हैं जो भाई अपनी गाड़ी दिखाते हैं, ये दिखाते हैं वो, ये मेरा घर इतने करोड़ की मेरी प्रॉपर्टी ये वो, लेकिन भाई ये कुछ नहीं, भाई ये अपने जैसे ही बंदा लगता है मुझे, बहुत ही ज्यादा मतलब की डाउन टू अर्थ है, बिल्कुल एकदम सिंपलेस्ट सिंपल लाइफ बेटर थिंकिंग वैसा वाला बंदा लगता है मुझे, इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। थर्ड चीज है फोकस ऑन बिल्डिंग लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप। ठीक है, अब देखो ये जैसे कि कोई कोलैबोरेशन होता है, कोलैबोरेशन में ऐसे लोग बोलते हैं कि हाँ यार कि एक मेरे साथ तू वीडियो बना लियो, फिर एक मेरे साथ मैं बना लूंगा, एक मेरे चैनल पे आ जाएगा, एक तेरे चैनल पे आ जाएगा, खत्म हो कोलैबोरेशन। लेकिन नहीं भाई, ये रिलेशन वैसे बनाता है लॉन्ग टर्म की बनाता है, जैसे यश शर्मा फिटनेस के साथ ना, मतलब इसकी एक तरह से दोस्ती है, मतलब और जो यूट्यूबर्स हैं फिटनेस यूट्यूबर्स, मतलब दोस्ती है, मतलब ये नहीं है कि एक दो वीडियो के काम कुछ नहीं भाई, नहीं भाई अभी भी साथ बना रहे हैं और आगे भी करेंगे काम यार, ऐसी कोई बात नहीं है। हम लोग यहीं पर रह रहे हैं, हम लोग कहीं नहीं जा रहे हैं भाई, हमारी कोई कॉम्पिटिशन नहीं है आपस में, क्योंकि जितने ज्यादा लोग फिटनेस की तरफ वो होंगे आकर्षित होंगे। जैसे कि अब देखो जो ग्वालियर के बंदे हैं ना, वो उनका नाम नहीं पता मुझे, ग्वालियर में ये किया था, वो मतलब कि उस साइड की ऑडियंस को अट्रैक्ट करते होंगे, तो वो लोग फिटनेस की तरफ वो होंगे आकर्षित होंगे। जो साकेत भोसले 20 साल की उम्र ऐसे लोगों को अट्रैक्ट करेंगे जो महाराष्ट्र में, और मतलब कि जो भी हाई एंड लोग हैं उन सबको अट्रैक्ट करेंगे, तो वैसे लोग अट्रैक्ट होंगे, मतलब कि एज अ इंडस्ट्री बड़ी होगी। और ये जीरो सम गेम नहीं है कि यहाँ पर कोई रैंकिंग सिस्टम कर लो फर्स्ट सेकंड थर्ड, नहीं भाई ऐसा नहीं है कि विनर टेक ऑल है, नहीं नहीं भाई, फर्स्ट वाला भी पैसे कमाएगा, सेकंड वाला भी पैसे कमाएगा, और फेम भी कमाएगा और रिस्पेक्ट भी कमाएगा, फर्स्ट भी कमाएगा, सेकंड भी कमाएगा, थर्ड भी कमाएगा, और ऐसे जो 100वीं की कतार में होगा ना वो भी घर खाली हाथ नहीं जाएगा, वो भी कुछ ना कुछ अपना सीख के जाएगा, अपना कुछ
कम्युनिकेशन स्किल बिल्ड करे जाएगा, मतलब कि YouTube इज नॉट अ जीरो सम गेम, ठीक है, ये फायदा ही करेगा लॉन्ग टर्म में, मतलब कि आप रेज्यूमे की जगह अपने YouTube चैनल को दे दो भाई, ठीक है। फोर्थ थिंग, मतलब कि मुझे क्यों पसंद है वो बंदा, क्योंकि वो हमेशा अपने आप को अपस्किल करता रहता है भाई, पहले मतलब कि बंदा मतलब खाली बैठना ही नहीं है भाई, ये फिटनेस वाला काम हो गया, कुछ लोग तो भाई होते हैं वो सिर्फ जिम जाते हैं, कुछ करते भी नहीं है ना, डाइट पे ध्यान देंगे ना कुछ नहीं, अगर हमने जिम कर लिया काम खत्म, नहीं थी भाई, तो जिम भी आ गया डाइट पे भी काम करता है, और हमेशा अपने आप को अपस्किल करने के लिए, अपने अपने स्किल्स को बढ़ाने के लिए होता रहता है, मतलब कि ऑलवेज बी स्किलफुल भाई। डिग्री भाई, डिग्री का ये कलेक्शन उससे कुछ नहीं होगा भाई, तुम्हारे पास 10 डिग्री होंगी उससे घंटा कुछ नहीं होने वाला, अगर तुम्हारे पास 4-5 स्किल्स है ना जिसमें तुम मास्टर हो तो बहुत कुछ हो जाएगा, और स्किल्स वो सीखता रहता है, पहले भाई मतलब खाली बैठने ही नहीं बंदे को, पहले जर्मन सीख ली बता है, अब जैपनीज सीख ली भाई, मतलब बहुत ज्यादा टफ लैंग्वेज होती है जैपनीज, कम से कम 3-4 साल लगते हैं भाई मतलब उसमें प्रोफिशिएंट होने में, लेकिन भाई वो लगा है भाई, रोज कंसिस्टेंटली काम करता है, जैसे वो अपनी फिटनेस को कंसिस्टेंटली रहता है, वैसे वो अपनी जर्मन और जो जैपनीज है उसको भी कंसिस्टेंटली करता रहता है। तो यही होता है कि अगर आप एक फील्ड में डिसिप्लिन हो तो आप उसी डिसिप्लिन को दूसरे फील्ड में भी ट्रांसफर कर सकते हो, मतलब ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, मतलब कि इससे हम लोग को ये इंस्पायर होना चाहिए कि हम लोग को एज अ डिसिप्लिन लाइफ लीड करनी चाहिए, ठीक है। अगर हम एक फील्ड में डिसिप्लिन है तो उस डिसिप्लिन इज अ ट्रांसफरेबल स्किल, मतलब कि अगर एक फील्ड में डिसिप्लिन है तो उसी डिसिप्लिन को हम लोग दूसरी फील्ड में भी शिफ्ट कर सकते हैं, उसी मेंटल टफनेस को हम लोग दूसरी चीज में भी शिफ्ट कर सकते हैं, वेदर इट बी अ रिलेशनशिप, अर्निंग मनी और कुछ भी, कोई भी कुछ भी हमने करना हो, डिसिप्लिन हम लोग और जगह भी ट्रांसफर कर सकते हैं। और जो लास्ट थिंग, मैं बोला कि मुझे इतना बढ़िया बंदा क्यों लगता है वो, क्योंकि भाई बंदे में ईगो नहीं है, ठीक है, कुछ लोग होते हैं भाई जिनके सर पे नंबर चढ़ के बोले लगते हैं भाई हम तो इंडिया के नंबर वन ब्लॉगर हो गए हैं, हमारा तो कंपटीशन ही नहीं है, हम तो शहंशाह हैं इस गेम के, नहीं भाई, अरे ये तो मतलब कि वही होगा ना गीता में लिखा है कि मतलब जो कल तुम्हारा था वो मतलब कल किसी और का था वो आज तुम्हारा है, कल किसी और का होगा, तो नहीं भाई अपना वो कर्म करते रहो, और ईगो में तो भाई फंसना ही नहीं है, ईगो मतलब कि ईगो आपको नीचे ही लेके जाएगा, आपको भी ऊपर नहीं ले जाएगा ईगो, तो भाई बिल्कुल बंदे में ईगो नहीं है यार, मतलब कि अच्छे नंबर्स को टच करता है अपना, अच्छा करता है अपना, अपने लिए अच्छा कर रहा है बंदा, फिर भी अपना मतलब कि लगा हुआ है, अपना कोई ईगो नहीं है भाई, वो तो अपना काम करता है, और पता है इसकी इसके इसके लिए अगर आप ऐसे ढूंढोगे ना कि साकेत भोसले का स्कैम, नहीं नहीं भाई, वो स्कैम वीडियो के अंदर भी वही बातें बताएंगे कि हाँ भाई कितना सही जेन्युइन बंदा है भाई, जेन्युइन बंदे की हर एक कोई तारीफ ही करता है, जैसे कि फ्लाइंग व्हील सर ही हो गए तो भाई जेन्युइन है भाई, उनकी तो भाई हर कोई तारीफ ही करता है, कोई वो भी करता है उसकी उनकी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी फिटनेस वाले हैं जो भाई पता नहीं क्या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, रोहित खट्टी फिटनेस पता नहीं क्या स्टेरॉइड्स ले रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, मतलब कि वो मतलब खुद भी गंदा कर रहे हैं और मतलब खुद अपने लिए तो अच्छा कर रहे हैं वैसे, लेकिन लॉन्ग टर्म में जो उनको देख रहे हैं उनके लिए खराब कर रहे हैं, क्योंकि फिटनेस इज नॉट मतलब कि एक दो दिन का गेम नहीं है, एक दो हफ्ते का गेम नहीं है, नहीं भाई इसमें सालों की कंसिस्टेंसी और वो सब भी चाहिए, ठीक है, तो यही बताना था, और साकेत भाई आई लव यू भाई, वेरी वेरी मच, मैं तालियां बजाना चाहता हूँ आपके लिए, मजा आ गया भाई।